खट्टर साहब माधो सिंघाणा में रैली करते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पे खूब बरसे। उन्हें धमकाया भी, सलाह भी दी, चेतावनी भी दी और काफ़ी कुछ कहा। लेकिन इसका कारण क्या था, उनका बर्ताव कैसे चेंज हो गया? क्योंकि जो उन्होंने कहा कि भाई कर्मचारी उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, तो एक महीने में ऐसा क्या हो गया जो पहले ये करते थे अब नहीं कर रहे? ये खट्टर साहब की फ्रस्ट्रेशन शो करता है, हार का डर शो करता है, या इनका अहम आगे अड़े आ रहा है, या कुछ और, ये तो खट्टर साहब ही साफ कर सकते हैं। लेकिन जो भी और जिस तरह से उन्होंने बातें कही वो बहुत कुछ कहती हैं। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। के कर्मचारी मन चाहे स्थान पर रहेंगे, हाँ एक बार में हम कर्मचारियों को देते हैं, पहले भी दी है आज भी देते हैं कि गलत काम कोई मत करो, गलत काम करोगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कर्मचारी जनता की सेवा के लिए है। अगर सेवा करने के बजाय आपने अपना हाथ किसी की जेब में गोद में डाल दिया, किसी के खिस्से में डाल दिया, पैसे निकाल दिए, तो भाई थारे अंदर से भी पूरी तरह निकाल ले। इस अवसर के खिलाफ और एक बात को मैं आज और भी कहना चाहता हूँ, मन से कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खूटों से बंधे हुए हैं और वे इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुकते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, FIR करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूँ से, और बात करना चाहता हूँ कि अगर कहीं इस राजनीति के इस दौर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो था, 5 जून के भाइयों मारा, जनता को पसंद नहीं होने के बजे।